नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज महोबा। ओवरलोड ट्रक ने मासूम को कुचला, दर्दनाक मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, भारी पुलिस बल गांव में मौजूद। महोबा में ओवरलोड ट्रक ने 5 वर्ष की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। 3 घंटे तक जाम लगा होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही SDM सदर और CO सहित 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया गया है। ग्रामीण बस्ती के अंदर से ओवरलोड ट्रकों के निकलने पर आक्रोशित हैं, जिसके चलते पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं। यह दर्दनाक हादसा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पसवरा गांव का है, जहां पर घर के दरवाजे में खेल रही एक 5 साल की मासूम पर ओवरलोड ट्रक चढ़ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के पहिए के नीचे आ जाने से मासूम की मौत हुई है। ऐसे में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और गांव के मुख्य मार्ग में जाम लगा दिया। बताया जाता है कि पसवारा गांव में रहने वाले ओम प्रकाश की इकलौती 5 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी अपने घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वहां से गिट्टी लादकर गुजर रहा ओवरलोड ट्रक सीधा बच्ची के ऊपर चढ़ गया और ट्रक के पहिए के नीचे आकर मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते ट्रक चालक को उतार कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, ग्रामीणों ने ट्रक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जाम लगा दिया। तकरीबन 3 घंटे तक जाम लगा रहा। ग्रामीणों के जाम लगाने की सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस सहित ASP R0K0 गौतम, SDM जितेंद्र कुमार और CO राम प्रवेश राय मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए थे कि बस्ती के अंदर से गुजर रहे ओवरलोड ट्रकों को रोका जाए, क्योंकि आए दिन हादसे हो रहे हैं। बस्ती के अंदर से निकल रहे ट्रकों से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस्ती होने के बावजूद भी ओवरलोड ट्रक तेज रफ्तार यहां से गुजरते हैं, जिससे उड़ती धूल और डस्ट से लोग परेशान हैं। तो वहीं आए दिन हो रहे हादसे भी चिंता का कारण बने हैं और आज हुए हादसे के बाद से ग्रामीण भड़क गए और जाम लगा दिया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, तब कहीं जाकर जाम खुल सका। वहीं एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस हादसे को लेकर SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि खदान से बड़े पत्थर लादकर ट्रक आ रहा था, जिसके नीचे दबकर मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों द्वारा ट्रक को रोककर जाम लगा दिया गया था। ग्रामीणों की मांग है कि इस रास्ते से ट्रक न गुजरे, जिसके लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यहां से धीमे गति से ट्रक निकले, इसके लिए पुलिस के बैरियर लगाया जा रहा है और ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। साथ ही खदान मालिक द्वारा सड़क पर पानी के छिड़काव के निर्देश दे दिए गए हैं और आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। क्या था पूरा मामला आपके द्वारा, क्या कार्रवाई? खदान से बड़े वाले पत्थर लाद के एक डंपर आ रहा था। 7:30 बजे के लगभग में एक छोटी सी बच्ची 4 साल की थी, उसके दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चक्के के नीचे आने से मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने उस डंपर को रोके रखा है, जाम लगा रखा है। क्या कार्रवाई की? उनको उनका ये कहना था कि इस पे से ट्रक ही न जाए, लेकिन वो व्यवस्था की जा रही है कि इस पे धीमी गति से ट्रक जाए। पुलिस के बैरियर लगाए जाएंगे और आज ही इस पे ब्रेकर भी बनेगा, और जो खदान मालिक है उससे उस पे पानी के छिड़काव की भी व्यवस्था के लिए कहा जा रहा है। परिजनों के लिए कोई आश्वासन? वो उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, FIR लॉज की जा रही है। सर, हमारी एक भतीजी खत्म हो गई है, जिससे हम यही चाहते हैं कि ये रोड जो मतलब बस्ती के अंदर वाला रोड है, ये मतलब ऑलरेडी हमेशा के लिए बंद किया जाए, और जो सरकार को जहां से भी चाहिए वो वहां से रास्ता निकाल ले। लेकिन हमारे इस रास्ते से जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से मतलब जो रास्ता अंदर से गई हुई बस्ती के अंदर से ट्रक ना चले, बात हमारी इतना ही मतलब गुजारिश है सरकार से। अभी आपने प्रशासन से अपनी मांग जो थी आपकी रखी है, वहां से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन यही दिया जा रहा है कि मतलब हाँ हो जाएगा, पहले अभी कोई मतलब खास कोई पक्की बात नहीं हो पा रही है। कुछ मुआवजा वुआवजा की मांग की है आप लोगों ने? मुआवजा हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो बच्ची जिसकी खत्म हुई है उसको मतलब उसके परिवार दुखद है और परिवार के हिसाब से उसे मुआवजा मिलना चाहिए। आज के बाद यहाँ ठेला नहीं चलने चाहिए, और आज ये हादसा जैसे आज हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा होगा तो क्या होगा सर, आप बताइए। अच्छा, कल यहाँ जिला कल DM साहब आए थे, DM साहब खुद कह के गए हैं कि यहाँ ठेला चलेंगे, यहाँ से कौन अलाउड चलते हैं। हम जगह जगह कैमरा लगा रखे हैं। आज क्या घटना हुई? आज यहाँ के ठेला से बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, गाड़ी निकाला, गाड़ी वाले को ठोक रहे थे कि खोलो खोलो, पहला पहिया चढ़ा तो उसने पूरी चढ़ाते हुए चलाया। ड्राइवर भागे, बता ड्राइवर अगर एक दो थे, एक भाग गया, एक को पकड़े मारे नहीं तो क्या छोड़ देंगे उसको? वो भी जानबूझ के चढ़ाए। सर, हमारी एक भतीजी खत्म हो गई है, जिससे हम यही चाहते हैं कि ये रोड जो मतलब बस्ती के अंदर वाला रोड है, ये मतलब ऑलरेडी हमेशा के लिए बंद किया जाए, और
जो सरकार को जहाँ से भी चाहिए वो वहाँ से रास्ता निकाल ले, लेकिन हमारे इस रास्ते से जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से मतलब जो रास्ता अंदर से गई हुई बस्ती के अंदर से ट्रक ना चले, बात हमारी इतना ही मतलब गुजारिश है सरकार से। अभी आपने प्रशासन से अपनी मांग जो थी आपकी रखी है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन यही दिया जा रहा है कि मतलब हाँ हो जाएगा, पहले अभी कोई मतलब कोई पक्की बात नहीं हो पा रही है। कुछ मुआवजा वुआवजा की मांग की है आप लोगों ने? मुआवजा हाँ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो बच्ची जिसकी खत्म हुई है उसको मतलब उसके परिवार दुखद है और परिवार के हिसाब से उसे मुआवजा मिलना चाहिए। क्या था पूरा मामला आपके द्वारा, क्या कार्रवाई बन रही है? खदान से बड़े वाले पत्थर लाद के एक डंपर आ रहा था, 7:30 बजे के लगभग में एक छोटी सी बच्ची 4 साल की थी, उसके दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चक्के के नीचे आने से मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने उस डंपर को रोके रखा है, जाम लगा रखा है। क्या कार्रवाई की? उनको उनका ये कहना था कि इस पे से ट्रक ही न जाए, लेकिन वो व्यवस्था की जा रही है कि इस पे धीमी गति से ट्रक जाए, पुलिस के बैरियर लगाए जाएंगे और आज ही इस पे ब्रेकर भी बनेगा, और जो खदान मालिक है उससे उस पे पानी के छिड़काव की भी व्यवस्था के लिए कहा जा रहा है। परिजनों के लिए कोई आश्वासन? उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, FIR लॉज की जा रही है।